हेलो फ्रेंड्स, आम आदमी ब्रेन यूट्यूब चैनल पर तुहाड़ा स्वागत है। जिमें कि स्टूडेंट्स सानू पता ही है कि एजुकेशन नाल संबंधित हर तरह की लेटेस्ट इनफॉर्मेशन सब तो पहला तुहानू इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। अते नाल ही स्टूडेंट, जेकर तुसी 1664 ETT अते मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हो तां भी तुसी इस चैनल की प्लेलिस्ट दे विच विजिट करके तैयारी संबंधी वीडियोज़ देख सकते हो। स्टूडेंट, जो अज तुहाडे लई लेटेस्ट इनफॉर्मेशन है वह यह है कि अंतिम साल के विद्यार्थियों की प्रीख्यावां रद्द होने की संभावना है। तो दूसरा, जो प्लस टू के रेंदे पेपर ने उन्होंने मुलांकण का काम शुरू हो गया है। तो स्टूडेंट देख लें कि है पूरी खबर। तो स्टूडेंट, जिमें कि तुसी स्क्रीन पर वेख रहे हो कि अंतिम साल के विद्यार्थियों की प्रीख्या रद्द होने की संभावना, नवा सैशन अक्टूबर तक हो सकते मुलतवी। तो स्टूडेंट, नवी दिल्ली 24 जून की यह न्यूज़ है। तो इस विच साफ लिखा है कि यूनिवर्सिटिया ते उच्च विद्यक संस्थावां च अंतिम साल के विद्यार्थियों दी जुलाई च होने वाली प्रीख्यावां कोरोना महामारी के चलदे रद्द होने की संभावना है, जदों कि नवा विद्यक सैशन अक्टूबर तक मुलतवी हो सकता है। केंद्रीय मनुखी विकास के स्रोत मंत्री रमेश पोखरियाल निशाक ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नू इंटरमीडिएट अते टर्मिनल सेमेस्टर प्रीख्यावां दे विद्यक सेशन लई पहला जारी दिशा निर्देश ते मुड़ विचार करन लई कहा है। जानकारी अनुसार UGC वल्लों हरियाणा यूनिवर्सिटी दे उप कुलपति RC कुहाद की अगवाई च बनाई कमेटी नू दिशा निर्देश ते मुड़ विचार करन दे बदलवे राह तलाशन लई कहा गया है। UGC वालों सौदे हुए दिशा निर्देश एक हफ्ते तक जारी होने की संभावना है। तो स्टूडेंट, बहुत चांस ने कि जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने, चाहे वह ग्रेजुएशन के हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के होन, उन्होंने प्रीख्यावान रद्द हो सकदियां ने, भाव उन्होंने उन्होंने पहली प्रीख्या के आधार पर ही प्रमोट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि है दूसरी न्यूज़। तो स्टूडेंट, जो दूसरी न्यूज़ है वह है प्लस टू बारे। तो प्लस टू के बकाया रहिंदे पेपरां दे मुलांकण का काम मुड़ शुरू हो गया है। इसका मतलब यह स्टूडेंट कि जो पेपर सीगे प्लस टू के जिन्हें पेपर हो चुके ने उन्होंने हजे मुलांकण शुरू नहीं किया गया सीगा, तो उन्होंने पेपरां का मुलांकण शुरू किया गया है। तो नाल ही जो रहिंदे पेपर ने उन्होंने भी लिया जा सकता है। तो स्टूडेंट देखो, पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों COVID-19 महामारी कारण 12वीं की श्रेणी के वख विषयों के पेपर दियाँ उत्तर पत्रियों के मुलांकन के रुके काम को मुड़ शुरू कर दिया गया है। बकायदा रेंदे पेपर के मुलांकन का पूरा करने लिए बोर्ड कर्मचारियों और लैक्चरार वर्ग दियाँ ड्यूटियां लगानियां शुरू कर दी गई हैं। जानकारी अनुसार बोर्ड की गुप्त शाखा के सहायक सकत्र वालों हदायत जारी करके 12वीं श्रेणी के बकायदा रेंदे पेपर के मुलांकन की प्रक्रिया को मुड़ शुरू करवा दिता गया है। सो स्टूडेंट, इसका मतलब यही है कि जो एग्जाम हुए थे वह हूँ पेपर ने जोड़े वह चैक होने। तो नाल ही स्टूडेंट, तुसी लास्ट देख सकते हो कि 12वीं श्रेणी के बाकी रहेंदे पेपर, तो स्टूडेंट 12वीं श्रेणी के बाकी रहेंदे पेपर संबंधी CBSE की तर्ज के फैसला लैन दियाँ कंसोवां मिल रही हैं, जबकि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों लॉकडाउन लगाउन कारण 12वीं श्रेणी दियां मुलतवी कितियां लिखती प्रीख्यावां मुड़ कराउण दा मामला अजे भी विचार अधीन होण दी गल कही जा रही है। तो स्टूडेंट, यह सी प्लस टू वालियां वास्ते न्यूज़ कि जो मुलतवी प्रीख्यावां होईयां नेगियां उन्हां दा भी हजे फैसला विचार अधीन है, ते पर जो पेपर हो चुके ने उन्हां दा जिहड़ा मुलांकण दा काम है वह शुरू हो चुक्या है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि तुहानूं इह इनफॉर्मेशन तुहाडे काम की जरूर होएगी। तो जेकर तुसीं 1664 ETT ते मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट विजिट करो। तो जो तुहानूं वीडियो स्क्रीन पर शो हो रही ने, एक बार उन्होंने जरूर देखो। धन्यवाद स्टूडेंट।